उस देखने में जो सबसे अच्छी बात है ना, वो पाकिस्तान लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जम्मू कश्मीर में हमला नहीं आपने किया। जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है वो ये कह रहा है कि आपने जम्मू कश्मीर के बालाकोट में हमला नहीं किया, आपने खैबर पख्तून के बालाकोट में हमला किया। और वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। इसका मतलब वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर कुछ होता है पागल कुपर जम्मू कश्मीर में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज किया है, इसलिए हमने रिटेलिएट करना है। इसलिए रिटेलिएट नहीं करना कि आपने पाक ऑक्युपाइड जम्मू, अगर आपने जैसा हमने कहा ना कि हमने बालाकोट में हमला किया है और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जितने टेरर कैंप थे उसको गिराए हैं, हम उनकी टेरिटरी में नहीं घुसे, हम अपनी टेरिटरी में थे। वो ये कह रहे नहीं साहब, आप हमारी टेरिटरी में थे। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि पाकिस्तान तैयार बैठा है कि अगर भारत हमला करके पाखा को पर जम्मू कश्मीर कब्जे में ले ले तो कोई बात नहीं, वो मेरा था ही नहीं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने पाखा को पर जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट कैंपों पर हमला किया है, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब तुमने हमारी सॉवरेंटी पर हमला किया है। इसको समझ पा रहे हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पाकिस्तान नहीं है, ये जजमेंट है उनके। एक बार एक डिस्प्यूट आ गया जनरल का और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का, तो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, वहां की सरकार ने कोई बात कही, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपने चैलेंज किया कि साहब ये कैसे कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी कैन नॉट डू एनी डिसीजन बिकॉज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज बाय द ज्यूरिडिक्शन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट लाई ऑन दैट। समझ पाए क्या कहा उन्होंने? तो जो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो हिस्सा है नहीं, लीगली तो वो हमारा ही है, वो तो इलीगली ऑक्युपाइड है, और ये पूरा वर्ल्ड मानता है इलीगली ऑक्युपाइड। अगर संसार का कोई कंट्री उसके नक्शे को गलत भी कर देता है, थोड़ा घुमा कर देता है, तो हम तुरंत ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, और पूरा विश्व इस बात को मानता है। प्राइवेटली लोग डालते होंगे वो अलग बात, लेकिन ऑफिशियली पूरा वर्ल्ड पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को भी हमारे हिस्से में दिखाता है जनरली, और कुछ बगड़ कंट्री होते हैं वो तो होते ही हैं, जिनके बस में कुछ नहीं है वो डालते होंगे, लेकिन जितने सॉवरेन बड़े कंट्री हैं वो सब इस हिस्से को हमारे हिस्से में दिखाते हैं, पाक ऑक्युपाइड दिखाते हैं कि वो पाकिस्तान अधिक्रांत है। नहीं, देखो क्या हो रहा है, जो हो रहा है सो बढ़िया हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, नहीं वो सब सब हो जाएगा अपने आप। तो क्या है कि जिस समय उन्होंने ये कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, अब पाकिस्तान भी ऐसा कह रहा है कि साहब इन्होंने वहां नहीं किया, इन्होंने हमारे टेरिटरी में घुस गए, हमारे में वो उसको इन्क्लूड नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस समय समय है, अगर आप उसको वापस ले लेते हैं उस क्षेत्र को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो टेररिस्ट कैंप थे मोस्टली जो जम्मू कश्मीर में चल रहे थे, उन टेररिस्ट कैंपों को वो अंदर ले गए अपने बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर। इसका मतलब ये हो गया कि वो लगातार इस सोच में है कि ये भारत कभी भी वापस ले सकता है, ये उनके दिमाग में फेड है, भारत वापस ले सकता है, और अब चाहिए कि आह्वान कर दिया जाए कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी ये सर्वोत्तम मौका है। पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान से निकलकर इस समय इस क्षेत्र में आ गई है, तो उनको अपनी आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा
बलूचिस्तान में लगाना पड़ता है क्योंकि वहां विद्रोह चलता है। तो अब बलूचिस्तान को चाहिए कि वो वहां विद्रोह कर दे। ये सर्वाधिक उत्तम मौका है बलूचिस्तान के लिए और सिंध के लिए, और इस समय पाकिस्तान उसको समेट नहीं पाएगा, वो एक सॉवरेन स्वतंत्र कंट्री बन सकता है। जो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय उनको फंसाकर टेरिटरी जबरदस्ती ले ली, वो टेरिटरी बाहर जा सकती है और पुनः सॉवरेन स्टेट बन सकती है। ये समय हम दोनों के लिए, हमारे लिए भी है कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा वापस ले लें और संसद का रेजोल्यूशन पूर्ण करें, अप्रूव्ड करें उसको, और ये बलूचिस्तान के लिए भी है कि वो इस समय उधम मचा लें अगर बचाना चाहते हैं तो, और ये सिंध के लिए भी है कि वो इस समय उधम मचा लें बचाना चाहते हैं, कराची बचा लें और सिंध बचाकर नया राज देश बना लें, फिर बचेगा उनके पास पंजाब, पंजाब को सब मिलकर देख लेंगे क्या होता है।